नमस्कार। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, रिजर्व बैंक के गवर्नर, राज्यों के मुख्य सचिव, अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े साथीगण, स्टार्टअप, फिनटेक की दुनिया से जुड़े मेरे युवा साथी, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई रूपी उसका भी एक प्रतीक है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है। और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें भेजना चाहता है, अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई रूपी वाउचर दे सकता है। ई रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी, जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो ई रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यानी ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में
20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके। यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। साथियों, पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेक्नोलॉजी, और वो कहते भी थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम। जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे। लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है। आज देश की सोच अलग है, नई है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है, कैसे टेक्नोलॉजी नए अवसरों को पैदा करने में, उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है, और कैसे टेक्नोलॉजी सरकार और लाल फीताशाही पर सामान्य मानवीय की निर्भरता को कम कर रही है। आप आज के ही यूनिक प्रोडक्ट को देखिए। आज हम यहां तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि देश ने जनधन खातों को खोलने, उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ने और जेम जैसी व्यवस्था के लिए वर्षों मेहनत की है। जब जेम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इसकी अहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा। जब दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें, लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्था तैयार थी। दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट ऑफिस और बैंक खुलवा रहे थे तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था। भारत में अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे जा चुके हैं। आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाए गए हैं। इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है उसका लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खाते में ही ट्रांसफर किया गया है। इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि देश के करीब करीब 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचे हैं। साथियों, भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। इनोवेशंस की बात हो, सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडरशिप देने की क्षमता रखता है। पिछले 7 सालों में भारत ने अपनी प्रगति को जो गति दी है उसमें टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की बड़ी भूमिका है। आप सोचिए, क्या 8-10 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि टोल बूथ पर करोड़ों गाड़ियां बिना किसी फिजिकल ट्रांजैक्शन के लेन देन से निकलेगी? आज के फास्टैग से ये संभव हुआ है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि दूर सुदूर गांव में बैठा कोई हस्तशिल्पी अपने प्रोडक्ट दिल्ली के किसी सरकारी दफ्तर में सीधे बेच पाएगा? आज जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से ये मुमकिन है। क्या 8-10 साल किस पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स हर समय डिजिटली हमारी जेब में होंगे और हर जगह एक क्लिक पर इस्तेमाल हो पाएंगे? आज ये डिजी लॉकर से मुमकिन है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों को सिर्फ 59 मिनट में लोन अप्रूव हो पाएगा? आज भारत में ये भी मुमकिन है। और इसी तरह 8-10 साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप किसी काम के लिए एक डिजिटल वाउचर भेजेंगे और काम हो जाएगा? आज ये भी ई रूपी के जरिए मुमकिन हो चुका है। मैं ऐसे कितने ही उदाहरण आपको गिना सकता हूं। इस महामारी के दौरान भी देश ने तकनीक की ताकत को महसूस किया है। आरोग्य सेतु ऐप का उदाहरण भी हमारे सामने है। आज ये ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप में से एक है। इसी तरह कोविन पोर्टल भी आज हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, वैक्सीनेशन सेंटर के चयन में, रजिस्ट्रेशन में, वैक्सीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देशवासियों की बड़ी मदद कर रहा है। पुरानी व्यवस्था चल रही होती तो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद सर्टिफिकेट के लिए दौड़ना पड़ता रहता है। दुनिया के कई बड़े देशों में भी आज पेपर पर हाथ से लिख करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन भारत के लोग एक क्लिक में डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं। इसलिए आज भारत का कोविन सिस्टम दुनिया के कई देशों को आकर्षित कर रहा है। भारत इसे दुनिया के साथ साझा भी कर रहा है। साथियों, मुझे याद है कि 4 साल पहले जब भीम ऐप लॉन्च किया गया था
तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकांश बिजनेस ट्रांजैक्शन नोट और सिक्कों के बजाय डिजिटली होंगे। तब मैंने ये भी कहा था कि इस बदलाव से सबसे अधिक गरीबों, वंचितों, छोटे व्यापारियों, किसानों, आदिवासियों का सशक्तिकरण होगा, वो एम्पावर होंगे। आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं। हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जुलाई महीने में 300 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए हैं, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। आज चाय, जूस और फल सब्जी का ठेला लगाने वाले भी इसका उपयोग कर रहे हैं। वहीं भारत का रुपए कार्ड भी देश का गौरव बढ़ा रहा है। सिंगापुर, भूटान में भी इसे लॉन्च किया जा चुका है। आज देश में 66 करोड़ रुपए कार्ड हैं और देश में हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन रुपए कार्ड से भी हो रहा है। इस कार्ड ने गरीब को भी सशक्त किया है, उसे इस भावना से भरा है कि वो भी अपने पास डेबिट कार्ड रख सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। साथियों, टेक्नोलॉजी कैसे गरीबों को सशक्त करती है, इसका एक और उदाहरण है पीएम स्वनिधि योजना। हमारे देश में तो रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले भाई बहन हैं, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था। अपना काम आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बैंक से मदद मिलना असंभव था। जब डिजिटल ट्रांजैक्शन की कोई हिस्ट्री ही ना हो, कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो बैंक से लोन लेने के लिए हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाते थे। इसी को समझते हुए हमारी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। आज देश के छोटे बड़े शहरों में 23 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी और ठेले वालों को इस योजना के तहत मदद दी गई है। इसी कोरोना काल में करीब करीब 2300 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं। ये गरीब साथी अब डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अपना लोन चुका रहे हैं, यानी अब उनके लेन देन की एक डिजिटल हिस्ट्री बन रही है। पीएम स्वनिधि में ये व्यवस्था की गई है कि 10,000 रुपए का पहला लोन चुकाने पर 20,000 का दूसरा लोन और दूसरा लोन चुकाने पर 50,000 का तीसरा लोन रेहड़ी पटरी वाले साथियों को दिया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि आज सैकड़ों रेहड़ी पटरी और ठेले वाले भाई बहन अब तीसरा लोन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया भी मान रही है। विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है। ऐसा आधार तो बड़े बड़े देशों में भी नहीं है। देशवासियों का पॉजिटिव माइंडसेट, फिनटेक सॉल्यूशन को एडॉप्ट करने की उनकी क्षमता भी असीम है। इसलिए ये आज भारत के युवाओं, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी बेहतरीन मौका है। भारत के स्टार्टअप्स के लिए फिनटेक में अनेकों संभावनाएं हैं। साथियों, मुझे विश्वास है कि e-रूपी वाउचर भी सफलता के नए अध्याय लिखेगा। इसमें
हमारे बैंकों और हमारे पेमेंट गेटवे का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सैकड़ों प्राइवेट अस्पतालों, कॉरपोरेट्स, उद्योग जगत, एनजीओस और दूसरे संस्थानों ने भी इसको लेकर बहुत रुचि दिखाई है। मेरा राज्य सरकारों से भी आग्रह है कि अपनी योजनाओं का सटीक और संपूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए ई रूपी का अधिक से अधिक उपयोग करें। मुझे विश्वास है कि हम सभी की ऐसी ही सार्थक साझेदारी एक ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण को और गति देगी। एक बार फिर सभी देशवासियों को इस बड़े रिफॉर्म के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।